हमारा देश शरणार्थियों के मामले में हमेशा नर्म रवैया रखता रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में कई देशों के शरणार्थी हैं। अब CA बनने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आ चुके हैं। इस कानून पर मिली जुली बातें कही जा रही है। दो खेमे यहाँ भी हो चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि विरोध कर रहे हैं मुस्लिम देशों में भी नागरिकता के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। पाकिस्तान से लेकर कतर तक क्या है नागरिकता के नियम? क्या मुस्लिमों को आसानी से मिल जाती है नागरिकता? चीजों को समझेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GBN 24 न्यूज में आज सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कुसुम ठाकुर। भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। इसके तहत तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों की माइनॉरिटी के लिए देश की नागरिकता के रास्ते आसान हो गए। इस पहल के बीच जानिए दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार मुस्लिम बहुल देश कैसे देते हैं नागरिकता। क्या सताए हुए बाहरी मुस्लिमों को यहाँ आसानी से शरण मिल सकती है? पूरी दुनिया में नागरिकता के सिंपल रूल क्या है समझते हैं। एक है राइट ऑफ सॉइल, ये कहता है कि बच्चे का जहाँ जन्म हुआ हो वो अपने आप वहाँ का नागरिक बन जाता है। दूसरा नियम है राइट ऑफ ब्लड, मतलब आपके पेरेंट्स जहाँ से हैं आप भी वहीं के कहलाएंगे। तीसरा नियम है इसमें किसी भी देश का नागरिक दूसरे देश का सिटीजन हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे नेचुरलाइजेशन का पीरियड बिताना होगा। ये वो समय है आप किसी देश में बिताते हैं, ये 5 सालों से लेकर काफी लंबा भी हो सकता है। अब समझते हैं कि किन देशों में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। 30 से ज्यादा देश बर्थ राइट सिटीजनशिप को मानते हैं। इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है, उसने 19वीं सदी में ही राइट ऑफ सॉइल की बात की थी और अपने यहाँ जन्मे बच्चों को अपना नागरिक बताने लगा था। इसके अलावा कनाडा, अर्जेंटीना, बोलिविया, इक्वाडोर, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे कई मुल्क ये अधिकार देते रहे। हालांकि कई जगह ज्यादा सख्त है, जैसे कई देशों में नागरिकता के लिए बच्चे के माता पिता दोनों का वहाँ का होना चाहिए। अब हम रुख करते हैं मुस्लिम देशों की ओर, वहाँ कैसे मिलती है नागरिकता, कितना कठिन है। इसमें सबसे पहले पड़ोसी देशों को देखते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी लगातार कम हो रही है, यहाँ से जबरन धर्म परिवर्तन की भी बातें आती रही हैं। भारत के हर नियम कानून पर परेशान होने वाले पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म का होने से नागरिकता नहीं मिल जाती। विदेशी वहाँ कम से कम 4 साल बिताने के बाद ही सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी कई नियम है, उसने ऐसी कोई पहल नहीं कि अगर साउथ एशिया के किसी देश में मुस्लिम परेशान है तो उसके यहाँ आ जाए। यहाँ तक कि उसने अफगानिस्तान के भी लाखों लोगों को कुछ महीने पहले ही निकाल दिया। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ब्लड राइट चलता है, अगर किसी के पेरेंट्स का जन्म वहाँ हुआ हो तो नागरिकता मिल जाएगी। फिलहाल सीरियाई कैंप में रह रही शमीमा बेगम को बांग्लादेश ने अपनाने से मना कर दिया था क्योंकि उसके लिंक इस्लामिक स्टेट से पाए गए। बांग्लादेश भी मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन यहाँ भी मुसलमान होने के चलते किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलती। कहते हैं कतर की सिटीजनशिप मिलना सबसे मुश्किल होती है। अब बात करें अमीर मुस्लिम देशों की, इसमें कतर की नागरिकता पाना बहुत मुश्किल है। कतरी नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है जिसके पेरेंट्स में से कोई एक कतर में जन्मा हो। इसके अलावा अगर आप विदेशी हो तो कतरी सिटीजन कहलाने के लिए 25 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ नेचुरलाइजेशन की प्रतिक्रिया काफी लंबी है। अब बात कर लेते हैं इराक और ईरान में क्या है नियम। ईरान में जन्म के आधार पर सिटीजन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर फॉरेन नेशनल वहां बसना चाहें तो उन्हें कम से कम 4 सालों तक देश में रहना होगा। इराक में भी यही नियम लागू होते हैं। यहां भी ऐसा नहीं कि सताए हुए मुस्लिमों को शरण मिल जाए। जैसे गाजा का ही मामला ले ले तो लगभग सारे मुस्लिम देशों ने उसके लिए आवाज तो उठाई लेकिन शरण नहीं दी। सऊदी की बात करें तो वहाँ अरबी भाषा आना अनिवार्य है। सऊदी अरब में नॉन सऊदी पिता और सऊदी माता से जन्मी संतान को वहाँ की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं, जैसे उनके पास परमानेंट रेसिडेंस हो और फर्राटे से अरबी बोलना समझना हो, उसके माता पिता सऊदी से हो
यहाँ पर सऊदी राष्ट्रीय कानून है, इसमें कई नियम हैं जिन्हें पूरा करने वाला ही वहाँ का नागरिक कहलाएगा। आज हमने आपको अपनी प्रस्तुति में दिखाया कि भारत में CAA लागू होने पर शोर शराबा करने वाले जरा ठहरें, रुक जाएं और समझें कि अन्य देशों में नागरिकता मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसी तरह के जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी24 न्यूज।